भाई अभी हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कुछ इस तरीके का गोल्ड रॉयल अवेलेबल है, जहाँ पर स्लीक बैंडेड बंडल है। ये बंडल काफी अच्छा है, लेकिन मुझसे आप लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हो कि भैया हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कब आएगा, नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का रिव्यू करवा। भाई हाँ भाई, अब बस करो और आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का पूरा कंप्लीट रिव्यू करवाने वाला हूँ। बुरे हैं हम लोग। बुरे हो तो भाई तुम्हारा मूड मस्त हो जाएगा जब तुम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक फ्री गन स्किन के बारे में पता लगेगा। जी हाँ गाइस, बहुत जल्द एक कमाल का गन स्किन फ्री में मिलने वाला है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को ये वीडियो बताऊंगा। फिर गाइस, अभी के टाइम पे FFWS टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट का एक स्पेशल रिडीम कोड आने वाला है, जिस रिडीम कोड के बारे में आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। फिर गाइस, इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारे अपकमिंग पेड इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है, फ्री इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज मैं आप लोगों को फ्री डायमंड गिव अवे भी दूंगा। हां गाइस, आज आप लोगों को अपकमिंग पेड इवेंट फ्री रिवॉर्ड्स के साथ साथ फ्री में डायमंड भी मिलेंगे। आइए देख मलाया। आइए ये गाइस, अभी हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक फ्री गन स्किन के बारे में बताता हूँ। यहाँ तो गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पर ये इवेंट को ध्यान से देखो। ये इवेंट के अंदर गाइस, हम लोगों को ACAT का स्किन फ्री में मिल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जो ACAT का स्किन है, 7th एनिवर्सरी स्पेशल ACAT का स्किन है, और ये गन स्किन हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर भी फ्री में मिलने वाला है। ये गन स्किन है तो बहुत कमाल का, क्योंकि ये एक लेजेंडरी गन स्किन है, इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा है। फिर अगर गाइस हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें, यार यहाँ पर हम लोगों को डबल मैगजीन सिंगल आर्मर पेट्रेशन प्लस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिलोड स्पीड माइनस में है। देखो गाइस, सच्चाई बताऊं तो इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा है, लेजेंडरी भी है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप लोग देख ही सकते हो भाई, डबल मैगजीन कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगा, आर्मर पेट्रेशन भी सिंगल प्लस है, कोई काम नहीं आएगा। तो मैं तो कहूंगा कि भाई ठीक ठाक गन स्किन है, फ्री में जो गन स्किन मिलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो छोड़ो गाइस, अभी मैं आप लोगों को सीधा ये बताता हूँ कि ये गन स्किन हमको कब फ्री मिलेगा। ये तो गाइस देखो, ये जो ACAT का फ्री गन स्किन इवेंट रहेगा, हमारे गेम के अंदर 17 जुलाई को आएगा। हाँ गाइस, 17 जुलाई को कंफर्म ही हमको हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फ्री में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फ्री गन स्किन इवेंट का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को एक और फ्री गन स्किन इवेंट के बारे में बताता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो ACAT वाला इवेंट है, यहाँ से तो हम लोगों को गन स्किन परमानेंट मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये ACAT का स्किन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर परमानेंट मिलेगा। बट भाई, ये जो दूसरा इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर से हम लोगों को ट्रायल के लिए कुछ गन स्किन मिलने वाले हैं। हाँ जी गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को 7th एनिवर्सरी स्पेशल टोकन मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल मिशन कंप्लीट करने पर हमको मिलेंगे। यहाँ गाइस, हम लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा, कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे, जिसके बदले में हम लोग ये टोकन को क्लेम कर पाएंगे। फिर यार, ये टोकन एक्सचेंज करने पर हम लोगों को 24 घंटे के लिए M1887 का स्किन, UMP का स्किन, वुडपिकर का स्किन मिलेगा। भाई यहाँ पर गन स्किन तो सभी काफी कमाल के हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि इनमें से कोई सभी गन स्किन आप लोगों को परमानेंट नहीं मिलेगा। ये गन स्किन सिर्फ 24 घंटे के लिए है, और आप लोग यहाँ पर से किसी एक गन स्किन को 5 बार ले सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, ये था हमारा फ्री गन स्किन इवेंट। मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा पसंद आया नहीं होगा, बट फिर भी यार, क्योंकि ये इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म हो गया, तो मैं आप लोगों को इस इवेंट का भी कंफर्म डेट बता देता हूँ। यहाँ गाइस, ये जो फ्री इवेंट है, हमारे गेम के अंदर आएगा 23 जुलाई को। तो भाई देखा जाए तो यार, अभी मैंने आप लोगों को दो फ्री गन स्किन इवेंट का रिव्यू करवा दिया, दोनों इवेंट काफी कमाल के हैं, इसलिए यार अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी यार मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक और बहुत ही मस्त इवेंट के बारे में बताता हूँ। हाँ तो भाई, अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो इवेंट यार आप लोग देख पा रहे हो, ये FFWS स्पेशल एक इवेंट है। हाँ गाइस, अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज एक टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पर काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी गए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बेसिकली बोलो तो पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स हैं। अब देखो यार, जिन भी सर्वर की टीम यहाँ पर गई हुई है FFWS खेलने के लिए, उन सर्वर के अंदर तो हम लोगों को ये इवेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर से एक FFWS का जर्सी मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर डायमंड रॉयल वाउचर भी है। बट देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इवेंट बस उन्हीं सर्वर के अंदर आया हुआ है, जिन सर्वर की टीम FFWS टूर्नामेंट खेल रही है। बट यहाँ पर इंडिया के लिए भी कुछ स्पेशल है। हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा, FFWS में इंडिया की तो कोई टीम गई नहीं है, लेकिन हम लोगों को इंडिया के लिए ई-स्पोर्ट्स हिंदी में दिखाया जा रहा है, हिंदी में लाइव स्ट्रीम्स वगैरह हो रही है। तो इन्हीं लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर हम लोगों को इंडिया सर्वर के अंदर एक रिडीम कोड मिलने वाला है, इस रिडीम कोड से हम लोगों को एक जर्सी मिलेगी। देखो भाई, अगर तुमको रिडीम कोड मिस नहीं करना है, एक छोटा सा काम करो भाई, आप लोग सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, और एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि भाई जैसे आज मैंने आप लोगों को रिडीम कोड के बारे में सबसे पहले बता रखा है, इसी तरीके से FFWS का जैसे ही रिडीम कोड आएगा इंडिया सर्वर के लिए, सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को रिडीम कोड दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपका रिडीम कोड मिस ना हो जाए। ऑलराइट गाइस, देखो अभी मैंने आप लोगों को एक मस्त रिडीम कोड के बारे में बता दिया है, और एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फ्री इवेंट फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में बात कर रखी है। अभी यार मैं आप लोगों को कुछ एक दो पेड इवेंट्स के बारे में बताया था। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये फेरेट व्हील को ध्यान से देखो, ये फेरेट व्हील यार बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ पर हम लोगों को ग्लू रैम्प वाला ग्लू बॉल देखने
छोटा ग्लू बॉल है और मैं आपको बताऊं यार ये बहुत ज्यादा ओल्ड और काफी ज्यादा रेयर भी है। इसके एट्रीब्यूट्स में हम लोगों को कवर हाइट माइनस देखने को मिल रही है, कवर रेंज भी माइनस देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्लाइंबेबिलिटी 3+ है क्योंकि भाई इसका हाइट बहुत छोटा है तो इसके ऊपर से कोई भी जंप मार के जा सकता है। एक तरीके से भाई मैं आप लोगों को बोलूं तो ये बिल्कुल ही बेकाम ग्लू बॉल का स्किन है, इसका कोई भी काम नहीं होता है। बट इसमें गाइस एक फायदा है, बस इसको आप लोग डेकोरेशन के लिए रख सकते हो, अपने कलेक्शन को अच्छा दिखाने के लिए रख सकते हो, वरना तो भाई बिल्कुल काम का नहीं है। इसको आप लोग यूज करोगे ऊपर से बंदा आपको मार देगा, अगर कवर करने की कोशिश करोगे तो कोई भी कूद के अंदर आ जाएगा। हाइट भी छोटा है, लंबाई में भी छोटा है। जो भी हो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को ये फिटेड व्हील का रिव्यू करवा दिया है, उम्मीद है यार आप लोगों को ये फिटेड व्हील पसंद आएगा। बाकी अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप लोगों को ग्लू बॉल वाले फिटेड व्हील के कंफर्म डेट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस देखो ये जो फिटेड व्हील है वैसे तो मुझे आज ही हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला है, बाकी अभी जो है लीक्स एंड अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये फिटेड व्हील हम लोगों को इसी मंथ की एंडिंग में देखने को मिलेगा, वही कुछ 28-29 तारीख के आसपास। तो अभी भाई आप लोग थोड़ा वेट करो, ये फिटेड व्हील को गेम के अंदर आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी गाइस क्योंकि मैं आप लोगों को फिटेड व्हील का रिव्यू करवा चुका हूं तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी यार मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट एक रिंग इवेंट के बारे में बता दूं। हां जी, तो गाइस वैसे तो ये रिंग इवेंट का रिव्यू मैंने आप लोगों को आज से पहले भी कई सारी वीडियोस में करवा रहे हैं, लेकिन अभी आप फिर से देखो, ये है गाइस बनी मास्टरमाइंड वाला रिंग इवेंट। यहां पर हम लोगों को टोटल 5 आइटम देखने को मिल रहे हैं। एक यहां पर हम लोगों को गन का स्किन देखने को मिल रहा है जो कि G36 गन का स्किन है। लुक वाइज भी अच्छा है, इसका एट्रीब्यूट भी बहुत शानदार है। यहाँ पर हम लोगों को डबल रेंज सिंगल एक्यूरेसी प्लस देखने को मिल रही है, यहाँ पर मैगजीन माइनस में है, आप लोग खुद ही देखो यार डबल डैमेज है यार, क्या ही मस्त एट्रीब्यूट है, लुक भी तगड़ा है। खैर फिर गाइस यहाँ पर बनी मास्टरमाइंड वाला बंडल अवेलेबल है जिसको हम लोग रेड बनी बंडल भी कहते हैं। यहाँ पर एक ग्लू बॉल है, बैकपैक है और लूट बॉक्स भी है। जो कि 5 आइटम जो कि इस रिंग इवेंट में है सभी बहुत कमाल के, मुझे तो भाई पर्सनली ये सभी आइटम काफी ज्यादा अच्छे लगे। सीधा बोलूं तो मुझे रिंग इवेंट ही पूरा पसंद आ रहा है, और जब ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आएगा मैं यहाँ पर जरूर स्पिन करूंगा, ग्लू बॉल भी निकालूंगा, बंडल भी निकालूंगा, गन का स्किन भी निकालूंगा। हाँ गाइस गेम के अंदर वैसे मैं आजकल टॉप अप करता नहीं हूँ, बट सिर्फ इस रिंग इवेंट के लिए मैं टॉप अप करूंगा क्योंकि मुझे काफी पसंद आ रहा है। बाकी अभी गाइस आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोगों को ये रिंग इवेंट कैसा लगा। बाकी अभी गाइस अगर हम लोग ये रिंग इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बात करें, देखो गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये रिंग इवेंट वैसे तो OB45 अपडेट के साथ ही हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो गया था, यानी कि भाई जिस दिन OB45 अपडेट आया था हमने गेम को अपडेट किया था, अपडेट करते ही हमारे गेम की फाइल के अंदर ये रिंग इवेंट ऐड हो गया था, लेकिन भाई उस टाइम पे इसका कोई कंफर्म डेट नहीं आया था, वैसे तो यार इसका कंफर्म डेट अभी भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को लीक्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो भाई चांसेस है कि अभी हम लोगों को 22 या फिर 23 तारीख के आसपास इसी जुलाई मंथ में ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिले। सच में यार मुझे ये रिंग इवेंट काफी पसंद आ रहा है, तो मैंने इसकी फ्लो फ्लो में काफी ज्यादा तारीफ भी कर दी। तो अभी यार आप लोग जरा मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोगों को ये रिंग इवेंट कैसा लगा, क्या यहाँ पर स्पिन करना चाहिए नहीं स्पिन करना चाहिए, सब कुछ मुझे कमेंट से बताओ। बाकी अभी यार हम लोग नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में बात कर ही चुके हैं, चलो यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। जी हाँ, तो गाइस देखो वैसे तो अभी हमारे गेम के अंदर ये स्लीक बैंडेड बंडल वाला गोल्ड रॉयल अवेलेबल है जो कि अभी 22 दिन 9 घंटा और हमारे गेम के अंदर रहेगा। टाइम तो यार सच में काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत जल्द हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है, काफी अच्छा खासा टाइम है नेक्स्ट गोल्ड रॉयल को। बट गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के रिव्यू की बात करें तो भाई नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का रिव्यू तो मेरे पास आ चुका है, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का रिव्यू भी करवा देता हूँ, लेकिन रिव्यू से पहले आप लोग एक चीज समझो। देखो गाइस हमारे गेम के अंदर मोस्टली होता ये है कि अगर हमारे गेम के अंदर करंट टाइम के गोल्ड रॉयल में मेल बंडल होता है नेक्स्ट फीमेल बंडल आता है, करंटली अगर फीमेल बंडल होता है तो नेक्स्ट मेल बंडल आता है, कुछ इसी तरीके से उल्टा उल्टा काम चलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल चल रहा होता है वापस से फीमेल ही आ जाता है, इस बार ऐसा कुछ उल्टा होने नहीं वाला है। हां गाइस अभी हमारे गेम के अंदर स्लीक बैंडेड बंडल वाला मेल गोल्ड रॉयल है, अभी यार आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो। नेक्स्ट गाइस हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का फीमेल बंडल का गोल्ड रॉयल आएगा, ये फीमेल बंडल का गोल्ड रॉयल आज ही हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो रखा है, आप लोग देख सकते हो ये फीमेल गोल्ड रॉयल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और अगर यार आप लोग इस बंडल को ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा सीजन 2 बंडल है उसी की तरह लग रहा है, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग खुद ही देखो यार पिंक कलर की थीम पर है, सीजन 2 की तरह लग रहा है। मुझे पता नहीं भाई तुमको ये सीजन 2 की तरह लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, मुझे तो सीजन 2 की तरह लग रहा है तो मैंने बोल दिया। बाकी अगर यार आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इसका अपर लोअर सब कुछ बढ़िया ही है, दिक्कत की बात एक ही है भाई मैं तो गेम के अंदर फीमेल कैरेक्टर को यूज ही नहीं करता हूँ, मुझे फीमेल कैरेक्टर में मूवमेंट वगैरह अजीब सा लगता है, तो भाई फीमेल का कितना भी अच्छा बंडल आ जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाई मैं फीमेल कैरेक्टर यूज ही नहीं करता हूँ तो बंडल का क्या ही करूंगा। खैर जो भी होगा सभी फीमेल बंडल ही नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में आने वाला, तो मैंने इसका रिव्यू आप लोगों को करवा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फीमेल बंडल का गोल्ड रॉयल पसंद आया होगा। तो बाकी यार मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल दिखा चुका हूँ, साथ ही साथ मैंने आपको और भी काफी सारे इवेंट्स एंड अपडेट्स का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, उम्मीद है यार आप लोगों को आज का एक कमाल का वीडियो पसंद आ रहा होगा। खैर गाइस अभी हम लोग इवेंट्स एंड अपडेट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं गिवअवे के बारे में। देखो गाइस एक दिन वाली बात नहीं है, मैं तो डेली ही गिवअवे करता हूँ, कभी 5 लोगों को, कभी 10 लोगों को, कभी 4 लोगों को ऐसे गिवअवे देता रहता हूँ। भाई मैं डायमंड का गिवअवे करता हूँ, कल भी मैंने गिवअवे किया था, लेकिन कल का गिवअवे थोड़ा छोटा गिवअवे था, आप लोग स्क्रीन पर यूआईडी देख सकते हो,
भाई ये कल के विनर्स की यूआईडी है, इन सभी विनर्स को मैंने 200 डायमंड भेज दिए हैं। हाँ गाइस, कल बस 200 डायमंड का गिव अवे हुआ था, लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें तो आज होगा 500 डायमंड का गिव अवे। हाँ गाइस, आज मैं टोटल 5 लोगों को गिव अवे दूंगा, सभी 5 लोगों को 500 डायमंड मिलेंगे। भाई बहुत तगड़ा गिव अवे है आज, तो चलो यार मैं जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आप लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस गिव अवे को जीत सकते हो। तो गाइस हमारा गिव अवे बहुत सिंपल होता है। गिव अवे का रूल है कि सबसे पहले आप लोगों को आज की इस वीडियो को एक लाइक करना है, आप लोगों को गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है गिव अवे के लिए। जैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप लोगों को जाना है आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर, वहाँ पर दबा के कमेंट कर देने। भाई 5, 10, 50, 60 जितने चाहो उतने कमेंट करो, लेकिन ध्यान देना आप लोग जितने भी कमेंट करो सभी कमेंट के साथ अपना यूआईडी जरूर दे देना। हाँ गाइस, मैं गिव अवे विनर को पिक करता हूँ रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट के अंदर से, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप लोगों का कमेंट पिक हो। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि भाई हर एक कमेंट के साथ अपना यूआईडी जरूर देना, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट में जो भी कमेंट पिक होता है उस कमेंट के अंदर जो भी यूआईडी लिखी होती है वही यूआईडी मैं टॉपअप भेजता हूँ। इसीलिए गाइस अगर आप लोगों का कमेंट पिक होगा तो आपके कमेंट के अंदर भी जो यूआईडी होगी वही यूआईडी में मैं डायमंड भेजूंगा। अभी आप सभी लोग एक काम करो, कमेंट करो दबा के, कमेंट के साथ यूआईडी भी लिख देना, बाकी गिव अवे के जो विनर रहेंगे उनका अनाउंसमेंट कल होगा, कल ही मैं उनको डायमंड भी दूंगा। अभी यार सब कुछ कल ही होने वाला है, तो मैं भी आप लोगों से मिलता हूँ कल नए नए अपडेट्स के साथ, नए नए इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।